भाजपा का चेहरा हुआ बेनकाब, कन्हैया को मारने वाला निकला बीजेपी का आदमी। भाजपा में मची अफरा तफरी। उदयपुर में दर्जी कन्हैया लाल की दो मुस्लिम युवकों द्वारा की गई हत्या के मामले में नया ट्विस्ट आ गया है। सोशल मीडिया पर बीते कुछ घंटों से तस्वीर शेयर हो रही थी। अब कांग्रेस ने सीधे तौर पर कन्हैया लाल की हत्या के मुख्य आरोपी रियाज अटारी का कनेक्शन भाजपा के नेताओं से जोड़ा है। कांग्रेस प्रवक्ता पवन खेड़ा ने प्रेस कॉन्फ्रेंस कर दावा किया कि रियाज अटारी राजस्थान में भाजपा के कद्दावर नेता और पूर्व गृह मंत्री गुलाब चंद्र कटारिया के कई कार्यक्रमों में शामिल हुआ था। उन्होंने कहा कि रिसर्च करने पर पता चला कि फेसबुक पर भाजपा के अल्पसंख्यक प्रकोष्ठ के नेता इरशाद चैनवाला ने 30 नवंबर 2018 को पोस्ट किया था और रियाज को पार्टी का कार्यकर्ता बताया था। केंद्र सरकार पर बरसते हुए पवन खेड़ा ने पुलवामा हमले का भी जिक्र किया। कांग्रेस प्रवक्ता ने कहा कि इरशाद ही नहीं, एक और भाजपा नेता मोहम्मद ताहिर हैं, जिनका मोबाइल अब बंद आ रहा है। ताहिर के 3 फरवरी 2018, 27 अक्टूबर 2019 और 10 अगस्त 2021, 28 अगस्त 2019 के पोस्ट की स्टडी की गई। भाजपा नेता मोहम्मद ताहिर का एक फेसबुक पोस्ट पढ़ते हुए पवन खेड़ा ने कहा, ये हमारे बीजेपी कार्यकर्ता उदयपुर राजस्थान के रियाज अटारी भाईजान ने हमारे वतन हिंदुस्तान में अमन के लिए दुआएं कर अल्लाह हमारे हिंद को सलामत रखे, आमीन। खेड़ा ने कहा कि ताहिर कह रहे हैं अटारी के लिए कि वह उम्रा करने के लिए गए और देश के लिए दुआ मांगी। भाजपा का कार्यकर्ता रियाज अटारी पूर्व गृह मंत्री के कार्यक्रमों में शामिल होता है। भाजपा के स्थानीय नेता रियाज भाई हमारे भाजपा कार्यकर्ता कहकर संबोधित करते हैं। कांग्रेस प्रवक्ता यहीं तक नहीं रुके, उन्होंने कहा ये चल क्या रहा है इस देश में, माजरा क्या है। पुलवामा में सवाल उठे थे कि 350 किलो RDX कैसे पहुंचा। DSP दविंदर सिंह का नाम हम सब जानते हैं, उसे चुपचाप नौकरी से बाहर कर दिया कि राष्ट्र हित में ही नहीं उसके खिलाफ जाँच करना, ये क्या हो रहा है इस देश में, कौन करवा रहा है ये सब। एक के बाद एक हमले घटनाएं हो रही हैं, कोई उत्तर नहीं, प्रधानमंत्री और गृह मंत्री चुप हैं।